नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभा समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सिंगरौली जिले के उभरते सितारा सत्यदेव सिंह उर्फ सत्या ने सभी देशवासियों को नशे से मुक्त करने के लिए अनोखा पहल की है। सत्यदेव सिंह ने इसके लिए एक वेब सीरीज बना रहे हैं, साथ ही यूट्यूब चिराग म्यूजिक के नाम से एक एक साइट बनाकर कई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सत्यदेव उर्फ सत्या जी को वेब सीरीज और यूट्यूब वीडियो में काफी समर्थन मिल रहा है। उनके चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके चाहने वाले लोगों ने बताया कि उनकी ये अनोखी पहल में जरूर वो कामयाब होंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता के हित के लिए वेब सीरीज और यूट्यूब पर कई वीडियो बना रहे हैं, जिससे जनता जागरूक हो रही है। इसके अलावा सत्यदेव का कहना है कि हम नशे की ओर अग्रसर युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो जाए। साथ ही साथ हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो सब्जी या कोई दुकान डालकर अपना बिजनेस करें। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है। सत्य ने बताया कि हम इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रंजीत सत्या, स्क्रिप्ट राइटर देव और गायिका की अहम भूमिका है। सत्यदेव जी, जैसे कि आपकी एल्बम अभी पब्लिक पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इस विषय में आप क्या कहेंगे लोगों? पब्लिक का प्यार है, पब्लिक को अच्छा लगता है। आप इस एल्बम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों? एल्बम से देखिए क्या है ना कि अभी तक तो मैं पहला हमारा अभी वर्तमान में एक एल्बम बेरोजगारी पे है, जो कि एक बेरोजगार पति है, नौकरी नहीं मिलती है लेकिन उसकी पत्नी उसको दिलासा दिलाती है, तो इसी संदर्भ में हमारा गाना है वो पूर्वी, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चिराग न्यूज़ पे उसको देख सकते हैं। जैसे कि लोगों का कहना है कि ये जो बेरोजगारी है, रोजगारी को भी लेकर आप ये एल्बम बना रहे हैं, जो जी जी, इसमें क्या मुख्य रूप से उपदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? हम उपदेश क्या देना चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, लोगों को रोजगार मिले, सरकार उसका प्रबंध करे। क्या शिक्षा को क्या आप साबित करना चाह रहे हैं फिर? शिक्षा क्या, शिक्षा को तो सर्वोपरि है, शिक्षा नहीं होगी तो हमारा देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। और अभी क्या वेब सीरीज में आप क्या बना रहे हैं आगे, लोगों को इस वेब सीरीज में क्या आप उन्हें दिखाना चाह रहे हैं? देखिए मैं अभी कह सकता हूँ कि इस सिंगरौली में मैं सबसे बड़ा वेब सीरीज अपराध बना रहा हूँ, जो कि इस हमारे अपराध में इसके चार ही मेन बिंदु हैं। पहला हमारा नशाखोरी है, दूसरा बेरोजगारी है, तीसरा भ्रष्टाचार है और चौथा रिश्वतखोरी है। क्या लगता है आपकी इस वेब सीरीज से लोगों पे क्या प्रभाव या क्या उनके ऊपर इसका असर दिखेगा? अब देखिए क्या है कि मैं तो पहले भारत का नागरिक हूँ और देश और समाज के प्रति हमें काम करना हमारा सर्वोपरि है, और मेरे मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इस वेब सीरीज को बना रहा हूँ तो समाज का कल्याण हो, समाज को सीख मिले और समाज हमारा आगे बढ़े। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि नशाखोरी, जो कि आज देश युवा हमारा जो युवा पीढ़ी है उस पर टिका हुआ है। क्या ये जो आप ये बना रहे हैं, क्या यूट्यूब पे भी ये पॉपुलरिटी है इसकी? देखिए क्या है कि अभी तो हम वेब सीरीज हमारी शूटिंग लगभग जनवरी से शुरू हो गई है, सारा अरेंजमेंट भी हो गया है और शासन से हमारी अनुमति भी हो गई है, तो जहाँ तक है कि बहुत जल्द ही होली पे हम इसको रिलीज करेंगे। यूट्यूब पे आपका किस नाम से चैनल है? यूट्यूब पे है हमारा चैनल चिराग म्यूजिक्स नाम से। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।